और सभी लोग समाज करने से देखो गवर्नमेंट की क्या नीति है, क्या प्लान है, देखेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए नीति चाहिए क्या? आप सभी बैठ आप देख रहे हैं जंतर मंतर का नजारा। ये पूर्व सैनिक है, आज जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं पंजाब से, और ये सरकार को अपनी आज मुंडी गिनवाने का काम करेंगे। जो सरकार कह रही थी कि इनकी संख्या बहुत कम है और वन रैंक वन पेंशन मांगने वालों की संख्या बहुत कम है, आज उनकी मुंडियों को गिन ले सरकार। क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, हम लोग 20 फरवरी 2023 से जहाँ जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये मोदी तानाशाह एक कान के ऊपर जूनी सर की, इसने कोई मंत्री जा खुद जा हमारे किसी भी नेता अपने सबका सैनिक नेता को अपनी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। ये अपने आप नेट के ऊपर वीडियो चला रहे हैं कि ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे। ये देश के सैनिक जिन्होंने अपने परिवारों से 20-20, 25-25, 30-30 साल तक 32 साल तक दूरी बनाए रखी, इनके बच्चे भी बेचारे ऐसे माँ बाप को तरसते रहे और देखते रहे कि हमारे पापा कब आएंगे, और इन्होंने हमारी एक पैसे की कदर नहीं की। और आज हम लोग छठे महीने में एंट्री कर चुके हैं इस जंतर मंत्र के धरने में, और आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। आज हम संसद का घेराव करेंगे ताकि हमारा जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड में जाए कि मोदी शाह जो तानाशाह बन रहा है। आज तक 20 फरवरी से लेके आज तक पूर्व सैनिक ने अपना आपा नहीं खोया, अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ी। आज आप डिसिप्लिन तोड़ने की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन तोड़ रहे। हम गवर्नमेंट को चिता रहे हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो आप लोग करने हमें दे नहीं रहे, हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उस डिसिप्लिन के दायरे से बाहर आए। और जेकर बलीवाती सरकार हमारी बात सुन ले, हम अपने दायरे में रहेंगे और हम डिसिप्लिन भंग नहीं करेंगे। हम डिसिप्लिन आर्मी के पर्सन है, हम डिसिप्लिन में रहकर राजी है। और जो हमारे ओआरओपी में विसंगतियां देखी गई है उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, और हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो कोई पागल नहीं है जो इतने गर्मी के बीच में और सर्दी के बीच में बरसात के बीच में 5 महीने जंतर मंत्र पर डटे हुए हैं। और आज हम सत्ता ग्रहण करने जा रहे हैं ताकि हमारे देश के तानाशाह श्री नरेंद्र मोदी को शर्माए। यहाँ बोलने के लिए आए जो सज्जन जो वेटर यहाँ कोई मैसेज देने वाला, वो अपना सर एसोसिएशन का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, बताइए। पंजाब से आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन से बाइक ट्रेन आए हैं, सुबह चले 7 बजे आराम से। सरकार को क्या मैसेज देंगे? योगदान रहेगा सरकार को क्या मैसेज देंगे? मैसेज क्या देंगे? बस सामने मांगे हैं मांगने के लिए आए हैं। मांगे तो पहुंच चुकी है सरकार के पास भाई, क्या विसंगतियां लागू कर रहे हैं? लागू करने के लिए आए, लागू करेंगे। कब लागू करेंगे? ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर। क्या शहीदी चाह रही है क्या पूर्व सैनिकों की? और समाज करने से देखो गवर्नमेंट की क्या नीति है, क्या प्लान है, देखेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए नीति चाहिए क्या? क्या सर? ये ना सर, ये हमारे से सीनियर हमारे अफसर बहुत बैठे हैं, बताऊं उनके अफसरों ने ही तो धोखा करा, अफसरों ने ही पीठ पे चूड़ा मारा। हमारे जैसे जवान जो अभी अफजाद बने हैं, केवल फौजी वगैरह कपल फौजी है भाई जो लगे हुए हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। देखो अभी कैद से निकल रहे सर, पूर्व सैनिक इन्होंने सरकार को कहा घेरने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।